स्टोरी एक गांव की है। गांव में तो आपको पता है कि हम अपनी मातृभाषा से कितने जुड़े होते हैं, तो ऐसे में कोई भी भाषा दूसरी बोलनी होती है तो गड़बड़ तो हो ही जाती है, टाइट टाइट फिश हो जाती है। और इंग्लिश खासकर कितना तकलीफ देती है आपको तो पता ही है, अंग्रेज़ों ने भी तकलीफ दी और अंग्रेज़ी भी तकलीफ दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी का ताना बाना है। गाँव में कैसे कैसे क्या क्या घटनाएँ होती हैं बातचीत के दरमियान, दंगल के दरमियान, पूजा पाठ के दरमियान, तो ये पूरा गांव का आपको माहौल मिलेगा और बहुत हंसी मजाक, बहुत फिल्म जो है कहानी के साथ साथ आपको बहुत हंसाएगी, गुदगुदाएगी भी। मतलब इन शॉर्ट ये मूवी पूरा इंग्लिश के कैसे हम खींचा कहानी करते हैं, बिल्कुल स्ट्रगल करते हैं, इंग्लिश की खिंचाई है। ये कुश्ती भी इस पिक्चर में, तो असल में कुश्ती जो है इंग्लिश से हो रही है। मतलब काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा हमें जी, काफ़ी कॉमेडी है, बहुत रोमांस भी है, यस रोमांस भी है, म्यूजिक भी है जिसका गाना रिकॉर्ड हो रहा है, आप तो पता ही है, रिकॉर्डिंग में आप लगा आए हैं, जावेद अली गाना गा रहे, खुशबू जैन गाना गा रही है। सर आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए। मेरा कैरेक्टर इसमें रेफरी का कैरेक्टर है, रेफरी इन द सेंस आप इंग्लिश की रेफरी रेफरी और प्लस रेफरी के साथ साथ मैं कई कई जगह पे वो भी करता हूँ, कमेंट्री भी करता हूँ मैं, तो इस बार आप कॉमेडी नहीं नहीं दोनों चीज़ों में कॉमेडी करूँगा मैं। और कुछ बताइए इस मूवी के बारे में। ये मूवी जो है सचमुच जो जैसे होता ना कि दंगल जैसे आपने देखी थी, तो गांव की एक फिल्म थी, कैसे गांव से शहर को ज्वाइन कर दिया, तो वैसे ही एक फिल्म जो है आपको आज के ज़माने के हिसाब से, आज की चीज़ें चीज़ों के हिसाब से हर एंटरटेनमेंट का हर सूत्र इस फिल्म में है। सर काफ़ी सारे फिल्में बन रही है इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश हिंदी मीडियम जैसे हमने देखा था फिल्म आई, तो ये फिल्म कितनी हटके है या फिर ये कितनी स्पेशल है आपके? बहुत हटके क्योंकि इस टाइप का सब्जेक्ट मैंने पहले कभी किया नहीं, इस टाइप का कैरेक्टर मैंने पहले कभी किया नहीं, और ऑफकोर्स इस टाइप की फिल्में लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, जिसका आपने एग्जाम्पल भी दिया दो फिल्मों का, बड़ा बड़ी फिल्में हैं हिट हुई है, तो मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही फिल्म बना रहे हैं, लोगों को मज़ा आएगा। सर आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है इस फिल्म को लेकर? एक्सपेक्टेशन तो ये है कि ये फिल्म अपने गांव से जुड़ी है, तो मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान का हर बंदा कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा है, और कहीं ना कहीं गांव की मिट्टी से उसको उसकी यादें जुड़ी है, या उसको गाँव के प्रति वो काफ़ी इमोशनल होता है, और ये फिल्म जब वो देखेगा कोई भी बंदा हिंदुस्तान का या हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ बंदा, चाहे किसी भी जगह हो, देश में या विदेश में, वो अपनापन फील करेगा, और इस वजह से ये फिल्म सबके नज़रों में आएगी, सबको पसंद आएगी, सबके दिल में छाएगी। उससे विदित होता है, आपको भी लगता होगा कि ये थोड़ा हटके टाइटल है, इंग्लिश की टाई टाई फेस, मतलब क्या है कि आज हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उस कन्फ्यूजन में सामंजस्य बिठाने के लिए हमने ये टाइटल ढूंढा है, और जो आपको बहुत पसंद आएगा, इंग्लिश की टाई टाई फेस। इस मूवी की स्पेशलिटी क्या है, इस मूवी में क्या ऐसा हटके है जो ऑडियंस को खींचेगा? इस मूवी के अंदर क्या है कि जो हमारा मेन हीरो है, इस ये जो मूवी है उसकी स्पेशलिटी क्या है जो ऑडियंस को अपनी ओर खींचेगी? जो अपना राजस्थान का हीरो है जो रोहित है, वो फॉरेन जाता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे इंग्लिश पढ़ के आता है, तो उसके साथ में उसका एक मित्र होता है जो डेविड है, जो हमारा हीरो है, वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और साथ में आते हैं, तो वो जब गांव आता है तो वहाँ पे उसकी गांव की स्थिति देख के उसको ऐसा थोड़ा लगता है, वो क्या है कि सरपंच का बेटा है रोहित, तो उसको ऐसा लगता है कि यार गाँव थोड़ा उसके दिमाग में नहीं बैठता है, वो फॉरेन से आता है तो उसके साथ में उसका मित्र भी होता है, तो वहाँ की भाषा और उसकी वहाँ की गाँव की भाषा जो है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो और गांव की भी ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल गंदगी वगैरह चारों तरफ, जैसा हमारी सरकार ने अभी मिशन चला रखा है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, तो उसको भी ये जुनून लग जाता है कि मेरे को इस गांव को मुझे आदर्श ग्राम बनाना है, इसके अंदर उसके पिताजी वगैरह सब सहयोग करते हैं, शुरू में उसको बहुत सी परेशानी होती है, उसके बाद सब कुछ सामंजस्य हो जाता है। तो ये स्टोरी है इस मूवी की जो रिवॉल्व होता है, इसके अंदर स्टोरी में कॉमेडी है, एक्शन मूवी है, गाने हैं हमारी है वो है, और साफ सुथरी फिल्म है, आप बच्चे से लेकर बूढ़े तक आप इसे आराम से देख सकते हैं, नो टेंशन नो डाउट। पहला दिन नहीं है, हमने दो गाने पहले रिकॉर्ड कर लिए हैं, शूटिंग सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शुरू है। तो गाने के बारे में बताइए। गाने दो गाने तो हमने पहले रिकॉर्डिंग ये किए थे, उसके अंदर एक तो ममता जी ने गाया था और एक शान साहब ने, और आज दो गाने हैं जो एक तो जावेद जी अली और
एक वो खुशबू जैन, वो दोनों गए। मतलब हाँ उत्सुक तो वो आपको मालूम है, खुशी तो होती है, पहली फिल्म है हमारी तो हम खुश तो है ही है। सर आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है इस फिल्म के? कितनी हिट होगी, कितनी ब्लॉकबस्टर जाएगी? सुपर हिट फिल्म है, सुपर हिट फिल्म। हाँ और फिर आपका ऑडियंस का मदद वगैरह सारे तो दुआएं तो काम आएगी आएगी, हम तो यही कामना। बहुत बहुत सुंदर मैसेज मिलेगा फिल्म में से, और आपको ये देखने मिलेगा कि हमारा देश जिस चीज़ से बना है, आर कंट्री इज़ मेड अप ऑफ विलेजेस एंड विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, जो हम लोग बहुत बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, तो उसकी खूबसूरती आपको नज़र आएगी और बहुत एंटरटेन होके जाएंगे। वही मैसेज है, मैं अभी आपको नहीं बताऊँ, आपको आपके लिए उसको फिल्म देखनी पड़ेगी। मैम पीपल ऑलवेज थिंक इंग्लिश इज अ सोशल स्टेटस, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपका एक अलग स्टैंडर्ड हो जाता है, अलग स्टेटस हो जाता है, तो इस विचार पे आपका क्या कहना? एज द टाइटल सेज, इंग्लिश की टाइटल। यस तो इस विचार पे मुझे यही कहना है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको ज़रूरत पड़ती है पढ़ने की, लिखने की, समझने की, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग भी हिंदी बोलना शुरू कर दें तो हिंदी भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर चली जाए। और जहाँ तक की बात करते हैं इंडियन लैंग्वेजेस की, तो संस्कृत से ही हर चीज़ों की कोडिंग होती है, नासा हो या कोई भी इंटरनेशनल लेवल का कोई भी साइंटिस्ट हो, वो हमेशा कोडिंग संस्कृत से शुरू करता है। सो आई थिंक हम लोगों ने हमारी भाषा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ आके योगा सीखते हैं। यू नो डेविड विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट दैट। I'm playing the friend of Rohit. Okay, so I cannot tell much about movie because you know you have to know, like you have to, if I tell suspense, so it is no suspense. So it's like I'm from UK, so I'm like there is some village, there's not so much like developed something, so something like that. So I tease, going to tease something, you know. So it's like that, and it will be really funny, and it will be family movie, and it will be really interesting. Yeah. So what basically the genre of your role is, like the role of your genre, like is it comedy, romantic or something like that? See, that I this is really really interesting character I have got, you know. So I'm going to play comedy also, because see, English though people don't understand, okay. Yeah. So I'm going to teach them. Of course, it will be like really good comedy. At the same time, so I got this beautiful lady, so I'm going to romance with her. of course, there will be romance also. So at the same time, there will be emotion also, because there is emotional, and I can't say reveal that now. If I reveal that, so it will be no fun. So there is some suspense. So after the movie release, you're going to see, then it, you know. So how are you both excited? Like, आप कितने excited हैं इस movie को लेकर? Of course, मैं तो बहुत excited हूँ. मेरी पहली फिल्म है, हिंदी की फिल्म पहली है. इसके पहले मैंने एक मराठी लैंग्वेज में एक फिल्म की, और हिंदी में पहली फिल्म है, तो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होती है, नर्वसनेस भी होती है, यू नो यू हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अलॉट, सो येस एंड बट ये खुशी की बात है कि मेरी पहली फिल्म ऐसी है जो मैसेज भी दे रही है, जो एंटरटेन भी कर रही है, जो आप सबके साथ में देख भी सकते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिले। सो इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड, एंटरटेनिंग विद अ मैसेज एंड अ वेरी ब्यूटिफुल सिनेमा।